हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सबके? फिलहाल यार जॉनसन से निकल गए हैं, एक बुलेरो है, बुलेरो में निकले हैं, तो बिना तक इसी में जाएंगे सीधा। और यहाँ का व्यू तो यार अपना, यहाँ पर परमिट चेक हो रहा है, यहाँ पे पुलिस आई, फिर से एक परमिट चेक होता है, दो दो बार परमिट चेक होता है, मुस्तांग में चेक होता है, उसके बाद यहाँ पे चेक होता है। अभी ड्राइवर हमारा परमिट लेके गए हैं भाई साहब, और यहाँ पे परमिट चेक हो रहा है। तो भाई ये रहा सरतांग सेल्फी पार्क, यहाँ पे सेल्फी वगैरह लेते हैं लोग, और यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी शानदार है। और जो भी जितने भी टूरिस्ट हैं, यहाँ बसें लगा रखी हैं सबने, देख सकते हो यहाँ का माहौल, बस है, बुलेरो है, छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, बस से बस बहुत कम चलती हैं। और एक चीज़ और, छोटी गाड़ी में आप लोग आओगे तो जल्दी पहुँच जाओगे मुक्तिनाथ, ये सही रहेगा। बाकी बस में आओगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उससे। बाकी यहाँ से बर्फ़ का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और सुबह सुबह का जो व्यू है वो काफ़ी शानदार है। और फ़िलहाल धूप निकल आई, उस चक्कर में बहुत मज़ा भी आ रहा है, लेकिन हमें शाम तक वापस भी निकलना होगा मेरे ख्याल से, अगर वहाँ रुकने की जगह नहीं मिली तो। अगर रुकने की जगह मिल गई सस्ते में तो वहाँ पर रुक जाएंगे, अदरवाइज़ वापस आने पड़ेगा, क्योंकि कैंपिंग बर्फ़ में नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास इतना माइनस डिग्री वाला कैंप नहीं है। अभी आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ थोड़ा, कितना शानदार है ये बर्फ़ है, देख सकते हो पहाड़ों पे पिघल पिघल के थोड़ी नीचे तक आ चुकी है बर्फ़, और उस साइड भी बर्फ़ है, ये देख सकते हो चारों तरफ बर्फ़ है, अभी पिघलना शुरू हो चुकी है बर्फ़, और जब पिघलती है बर्फ़ तो काफ़ी शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हो इस पहाड़ पे बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, ये एक अच्छा सीन है यहाँ का, मतलब ऊपर ऊपर पहाड़ों के बर्फ़ है और बीच में जो पहाड़ है वो एकदम ऐसे ही डेजर्ट टाइप हैं, तो काफ़ी शानदार अच्छा व्यू नज़र आता है यहाँ से देखने में। सारे टूरिस्ट यहाँ पर एक बार ज़रूर रुकते हैं, क्योंकि ये सेल्फी पार्क है। ये देख सकते हो यहाँ पे आप इनकी सवारी भी कर सकते हो, जो भी घोड़े वगैरह हैं क्या बोलते हैं, और यहाँ पे लोग ऊपर थोड़ा चढ़ चढ़ के इनके जो भी है सेल्फी पार्क के लिए लगा रखा है, इन पर चढ़ के फ़ोटो वगैरह सेल्फी वगैरह लेते हैं। तो फिलहाल यार पहुंच चुके हैं मुक्तिनाथ के बस स्टैंड पे, और यहाँ का व्यू काफ़ी शानदार है। फिलहाल हम सूरज के काफ़ी करीब आ गए हैं, तो उस कारण धूप भी अच्छे से लग रही है सुबह सुबह, रात को माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर, और सुबह भी माइनस में रहता है। 7 बजे के बाद यहाँ धूप होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद थोड़ा आप सर्वाइव कर सकते हो मज़े से। यहाँ का व्यू दिखाऊँ तो काफ़ी शानदार है, बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ पूरे चारों तरफ। अभी हम जाएँगे मंदिर में, उस साइड जाना हमको, यहाँ से जो लोग जा रहे हैं पैदल, यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है पैदल का, यहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, बस आगे कुछ भी नहीं जाएगा। तो भाई यहाँ से हमें जाना पड़ेगा ऊपर
छोटा सा रास्ता है, थोड़ा सा पैर फिसला और आप नीचे गिर जाओगे। चलो आपको करवाते हैं मंदिर का दर्शन जाके ऊपर। ये देखो बर्फ, बर्फ का व्यू देखो भाई, क्या शानदार है। बर्फ को हाथ छू के देखते हैं थोड़ा सा। एकदम नमक जैसा लग रहा है, ठंडी तो नहीं आ रही है। काफी टूरिस्ट आ रहे हैं भाई यहाँ पे, रोज काफी टूरिस्ट आते हैं। बर्फ देखो, उड़ाओ इसको ऊपर। बिल्कुल मस्त लग रहा है, मस्त। ठंड है क्या एकदम? ठंड तो आ रही है, ठंड तो नहीं है, कड़क है यार। लेकिन हाथ भीग जा रहा है, हाथ एकदम ठंडा हो जा रहा है बर्फ करने के बाद। धूप होगा धीरे धीरे तैरेगा। तो फिलहाल बर्फ के पहाड़ों के बीच में आ चुके हैं भाई। बर्फ का नज़ारा एक नंबर है, देख सकते हो यहाँ से बर्फ काफी पास में नजर आ रही है। देख लो ऊपर एक मंदिर भी है, वहाँ जा सकते हो आप दर्शन के लिए। बर्फ देखो यहाँ की यार, ये रहा मुक्तिनाथ। वेलकम टू मुक्तिनाथ टेम्पल। बहुत ऊपर चलना है, ये चलते हैं। बैग इतना भारी लेके चल रहे हैं, हम लोग थक जाते हैं बैग लेके। इधर देखिए बर्फ, हम लोगों ने बैग साथ में ले लिया क्योंकि वापस जाने का जो प्लान है वो चेंजमेंट है उसमें। वैसे वो बोला गाड़ी वाला हमारे साथ ही चल लेना, लेकिन पैसे ज़्यादा ले रहा था, जाते हुए सस्ता मिल जाएगा इसलिए उसके साथ नहीं जाएंगे, यही प्लान है अभी का। तो इसलिए बैग वगैरह सारा सामान लेके साथ चले ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैं नहीं।